लग रहा था कि 2 साल बर्बाद जाने वाले हैं, मेरे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास इसकी कमी उसकी कमी, वो सारी चीजें आपको छोटी लगने लगेंगी। मैं आईआईटी के लिए बना हूँ कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं आ गया इस रेस में। और कोई कोई तो लेक्चर ऐसा था कि लेक्चर डाउनलोड करने के लिए गाँव की पीक पे जाना पड़ रहा है, वो 1 किलोमीटर दूर है। कितने घंटे टोटल पढ़ते थे लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी मिला के, टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? बारिश में, जब बारिश होती थी तो उस समय नेटवर्क तो पूरा जाता था, उस दिन में आपको 1.5 GB मिलता है। 12th के टेस्ट हो रहे थे, 11th का बैकलॉग लगा हुआ था, टेस्ट में नंबर और नहीं आ रहे थे। क्या एक्स्ट्रा बुकें सॉल्व करी थी वो बता। ऐसा लग रहा था कि जनवरी में मेंस में मेरे को 95% से ऊपर नहीं आएगा। शुरू के 15 मिनट्स में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज मैं बैठा हूँ यार आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में, और मेरे साइड में बैठे हैं विद्यानंद भाई, जिन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस 2022 में बहुत तगड़ा मचाया है, बहुत अच्छी रैंक आई है। और आज यार इनकी स्टोरी सुन के आपको जो अपनी प्रॉब्लम्स लगती ना वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। कैसे एक लड़का यार बिहार के बहुत छोटे गाँव से फाइनली आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचा बिना कोटा गए, और कैसे यार जहाँ पे इंटरनेट की भी बहुत दिक्कत होती थी वहाँ से लेके मतलब आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी है। और इनकी स्टोरी सुन के यार आप मोटिवेट हो जाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं यार विद्यानंद भाई, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम विद्यानंद कुमार है और मेरा ब्रांच आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैं बिहार के दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ, और गाँव तो बहुत ही छोटा है। तो गांव का तो नाम ही नहीं पता होगा किसी को। गांव का नाम ही किसी को नहीं पता होगा। जेई मेंस की रैंक आपकी बहुत तगड़ी आई थी मैंने सुना है, एक बार बता दो ऑडियंस को कितनी आई थी। जेई मेंस सबसे पहले परसेंटाइल बता दे, फर्स्ट अटेम्प्ट का 99.49 परसेंटाइल था और सेकंड अटेम्प्ट का 99.75 परसेंटाइल था, और रैंक 2000 के अंदर था। अरे भाई इतनी तगड़ी रैंक, और मतलब पूरी एक आपको इनकी स्टोरी से पता चल जाएगा कि भाई मेहनत से आप कैसे अपनी जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो आपको लगता है कि भाई मेरे पास ये नहीं अवेलेबल है, मेरे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास इसकी कमी उसकी कमी, वो सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी। तो सबसे पहले यार विद्यानंद भाई स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी से, कैसे आपको लगा कि भाई मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसा? हाँ, तो सबसे पहले ये बता दे कि रैंक देख के आप मत समझ लेना कि बचपन से ही पढ़ने में हम लोग इंटेलिजेंट थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और मैं अपना स्टोरी अभी शुरू कर रहा हूँ, तो 10th मिड में ऐसे ही मैं 2 एंट्रेंस टेस्ट दिया, एक आकाश का दिया था एनडे और एक रेजोनेंस का दिया था रेजोफास्ट। तो दोनों में ठीक ठाक 50-60% आ गया था, और दोनों कोचिंग से कॉल आ रहे थे कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, मेरे यहाँ एडमिशन ले लो। तो पेरेंट्स से पूरा डिस्कस करने के बाद मैंने सोचा कि रेजोनेंस में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद बोर्ड हुआ, फिर रेजोनेंस में एडमिशन का कॉल आया। रेजोनेंस में एडमिशन ऑनलाइन जितना पे करना था उस समय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वो पे हो चुका था, लेकिन कुछ ही समय बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, सारा चीज़ ठप हो गया। पूरा ऑफलाइन का प्लान था लेकिन सारा चीज़ ऑनलाइन में बदल गया। शुरू में इतनी डिफिकल्टीज आई। क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी बेसिकली, मतलब जब स्टार्ट किया होगा आपने ऑनलाइन में तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, एक बार डिफिकल्टीज बताओ। सबसे पहली डिफिकल्टीज थी, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 2 साल बिना लैपटॉप के मोबाइल से पढ़ा हूँ, 8000 वाले मोबाइल से। दूसरी डिफिकल्टीज थी, गाँव में इंटरनेट कनेक्शन रहता ही नहीं था, क्लास के बीच में कनेक्शन टूट गया। तीसरी था कि एक दिन में आपको 1.5 GB मिलता है, तो आप पिछले वाले देखने में प्रॉब्लम है क्योंकि क्लास में ही आपका 1 GB खत्म हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। ये सब बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज थी, ये तो एक सिंपल हो गया। अब स्टडी रिलेटेड एकेडमिक डिफिकल्टीज ये थी कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग लग रहा है, सबको बैकलॉग लग रहा होगा, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरे चैप्टर में भाग जा रहे हैं जल्दी और पिछले चैप्टर का सारे क्वेश्चन लगभग छूट जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत डिफिकल्टीज आई 11th में। तो ऐसा लग रहा था कि 11th कंप्लीट होते होते 5 चैप्टर ऐसे थे ही छूट गए थे, उसके कारण बैकलॉग लग गया था बहुत सारे। तो डिफिकल्टीज मतलब कि बहुत बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। हाँ, जैसे मैं सोच रहा था कि दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज थी। ये बताओ मुझे, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, हाँ, तो क्या क्या मेजर डिस्ट्रैक्शन थी और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? सबसे बड़ा ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन था कि क्लास तो चल ही रहा था लेकिन वही क्लास को जैसे आपको समझ में नहीं आया,
तो आप YouTube पे जाकर सर्च मार रहे हो और YouTube पे आप क्लास में देख रहे हो, नीचे में कुछ और कंटेंट आ रहा है, उसी पे लगते गए। वो चीज बहुत ज्यादा होती है कि आपको वो नीचे रिकमेंड कुछ और कर देता है, फिर आप वो वीडियो देखने लगते हो, उससे किसी और वीडियो पे, उससे किसी और वीडियो पे, ऐसे करके एक पूरी साइकिल बन जाती है और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसको कैसे ओवरकम किया, फिर नहीं कर पाए ओवरकम? एक ऑप्शन है कि इसको डाउनलोड कर लेते हैं, एयरप्लेन मोड पे लगा लेंगे, फिर देखेंगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये यूज किया मैंने और बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम किया। ये चीज बहुत अच्छी बताई इन्होंने। और क्या डिफिकल्टीज ऑनलाइन में आपने फेस करी? मतलब एक तो डिस्ट्रैक्शन ये YouTube वाला, और कोई डिस्ट्रैक्शन? मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चलाते थे या सब कुछ बंद कर रखा था? इंस्टाग्राम तो बिल्कुल बंद था, बस व्हाट्सएप था, और व्हाट्सएप पे कुछ खास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था। तो ये चीज सही यार। मतलब मैंने भी अपने वक्त पे फेसबुक, इंस्टाग्राम अपना सब कुछ बंद कर दिया था। मतलब डीएक्टिवेट कर दो यार, डिलीट कर दो भाई, दो साल बाद बना लेना भाई। वो जो लड़की है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम बनाना चाह रहे हो, वो दो साल बाद भी मिल जाएगी अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो आप मुझे ये बताओ यार विद्यानंद भाई कि आपकी जो 11th थी वो कैसी गई? क्योंकि मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स की वेस्ट हो जाती है, आपकी कैसी हुई थी? मेरी भी 11th वेस्ट ही हुई थी। वेस्ट इस कारण हुई थी कि लास्ट में टीचर जब पढ़ाए थे बहुत फास्ट पढ़ाए थे, उसके कारण ना क्वेश्चंस कर पाना, बस नोट्स करना, और क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके कारण 11th लग रहा था कि ऊपर ऊपर से हुआ है और लग रहा था कि वेस्ट हो चुका है। और उस समय मॉक भी हुआ था 11th का, पूरे चैप्टर पूरे 11th के सिलेबस से मॉक हुआ था। उससे मात्र मेरे को 180 नंबर के हुए थे, उसमें से मेरे को मात्र 50 नंबर थे। और जेई मेंस का हुआ था, उसमें मात्र मेरे को 120 नंबर था। बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोगों के जब टॉप स्कोर देख रहे थे उसमें 300 में से 300 था, मतलब कि टॉप रैंकर बहुत थे। उसके कारण उसको देख के खुद को बहुत डीमोटिवेशन फील होता है, मैं आईआईटी के लिए बना हूँ कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं आ गया इस रेस में, क्या हो पाएगा आगे जाके, क्या होगा, ये सब बहुत ज्यादा फीलिंग आती है उस समय। इसलिए लग रहा था कि 11th बर्बाद है। 11th जैसे ही कंप्लीट हुआ, जस्ट 10 दिन के गैप के बाद 12th स्टार्ट कर दिया। उसके कारण और 12th के टेस्ट हो रहे थे, 11th का बैकलॉग लगा हुआ था, टेस्ट में नंबर और नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या किया मैंने, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाया। 4 आवर्स 11th में मैंने 4 आवर्स करके सेल्फ स्टडी रखा था, उसमें से 3 आवर्स तो होमवर्क में चले जाते थे। 12th में उसको इंक्रीज करके 6 आवर्स किया, उसमें से 2 आवर्स लास्ट में मैंने 11th का चीज़ें करनी शुरू की, और वो मैंने बस क्वेश्चंस करनी शुरू की, कुछ चैप्टर पढ़ना नहीं शुरू किया, क्वेश्चंस करना शुरू किया। इसके कारण थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन 12th लास्ट तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, एकदम कॉन्स्टेंट ही जा रहा था। लेकिन जैसे 12th कम्प्लीट हुआ, 2 महीने बचे हुए थे, उस 2 महीने में एक महीने में 11th का बैकलॉग किया, और उसमें 12th का भी जो बचा था वो लगभग 80-90% के अलावा कर ही लिया था। ऐसा लग रहा था कि जनवरी में मेंस में मेरे को 95% से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन उतनी खास हो रखी नहीं थी। तो मैंने और जस्ट मैं बिहार बोर्ड से हूँ, पहले ही बताया था कि बोर्ड भी फरवरी में थे, तो इसके कारण बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने थे, 75% मैंने भी ध्यान दिया कि उसको कंप्लीट करना है, और स्टेट बोर्ड में 75 लाना आसान बात नहीं होती है, सीबीएसई नहीं है। उसके कारण और डर लग रहा था कि मेरा आ पाएगा नहीं, जेई मेंस को छोड़ते हैं, 75% क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसके बाद जेई मेंस को देखेंगे। लेकिन फिर उसके लिए बोर्ड के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। फिर तो अभी किसके, अभी हम नवंबर दिसंबर तक पहुंच गए हैं, और हमारा 2 महीने बाद जेई मेंस भी है, और फिर हमारा बोर्ड भी है। तो दोनों चीजें एक साथ आ गई थी। हाँ, दोनों चीजें एक साथ आ गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि जेई मेंस को छोड़ते हैं, बोर्ड के करते हैं। बोर्ड के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, अब बोर्ड दिया, बोर्ड बहुत अच्छा गया। अब उसी समय न्यूज में आ गया था कि जेई मेंस आपका पोस्टपोन हो गया, वो अप्रैल में चला गया। खुशी बहुत हुई, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना तो कुदरत भी आपके साथ ही देते हैं। हाँ, तो वो जेई मेंस अप्रैल में पोस्टपोन हुआ, तैयारी अच्छी हो गई थी 1 महीने के अंदर, बोर्ड भी दिया। उसके बाद जेई मेंस अप्रैल में था, 2 महीने मेरे को मिले, 2 महीने में सारे जितने मेरे सीट्स थे, मॉड्यूल थे, सारे के एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 जो मेंस वाले होते हैं उसे कंप्लीट किया। अब मेरे को ये बताओ, टेस्ट देना शुरू किया। कितने घंटे टोटल पढ़ते थे, लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी मिला के टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? 11th की बात करें तो लेक्चर 4.5 आवर्स के आसपास होता था, और सेल्फ स्टडी 4 आवर्स, ठीक है। तो और 12th में वही 4 आवर्स सेल्फ स्टडी, 6 आवर्स में चला गया। अरे, तो मतलब दिन के 10-12 घंटे आप 10-12 घंटे पढ़ लेते थे भाई? इतने घंटे आपको डालने पड़ेंगे अगर आप सीरियस हो और आप आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो कम से कम आपको दिन के 10-12 घंटे
पढ़ने पड़ेंगे, लेक्चर प्लस अपना सेल्फ स्टडी मिला। सेल्फ स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लेक्चर के साथ साथ सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। ये चीज होती है कि आपने लेक्चर देखा और उसको खुद से रिवाइज नहीं किया ना, तो भाई अगले दिन आप भूल जाओगे, मतलब एक दो दिन तक याद रहेगा, फिर एक हफ्ते बाद आप भूल जाओगे कम्प्लीटली आपने क्या पढ़ा है, और आपने जो नोट्स बनाए तो ना आप वो भी भूल जाते हो कि अच्छा नोट्स में सर ने ये क्यों लिखवाया था, ये इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे ही जिस दिन तुम्हें पढ़ाया जाए तुरंत आके उसे रिवाइज करो, और ट्राई करो कि अगर उस दिन नहीं कर पा रहे हो तो अगले दिन तो कर ही ले, मतलब उससे ज्यादा छोड़ दोगे तो फिर आप भूल जाओगे कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाया था और क्यों पढ़ाया था। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार दिव्यानंद भाई, आपने बोर्ड सोर्ट्स कर दिए, फिर आपका जेई मेंस भी पोस्टपोन हो गया, तो आखिरी के एक महीने की क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब जेई मेंस शायद अप्रैल में था, मार्च मतलब जेई मेंस अप्रैल में था, अप्रैल में था, तो आखिरी के एक महीने में आपका बोर्ड्स हो गए, तो उसके बाद आपने आखिरी के एक महीने में क्या क्या चीजें करी और कैसे जेई मेंस में इतनी अच्छी रैंक लेकर आए? बोर्ड हो गया, उसके बोर्ड का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ उसके अगले दिन से जेई मेंस पे लग जाना। जेई मेंस में मैंने सोचा था कि मॉक टेस्ट, सारे बोल रहे थे मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं है तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे जेई मेंस में अच्छे से। तो मॉक टेस्ट मैंने वीक में एक मॉक टेस्ट देना कंपलसरी कर दिया था उस समय। उसके बाद मॉक टेस्ट का देना वो भी जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ उसको एनालाइज करना, कहाँ पे मैंने फॉल्ट किया था, क्या गलतियाँ की थी उसको देखना, ये भी मैंने शुरू कर दिया था। हर वीक में एक मॉक टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना। बाकी के 6 डेज था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर करना, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको करना, फिर शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उसको रिवाइज करना, जो जो स्टार मार्क्स क्वेश्चन थे चैप्टर के साथ साथ उसको करना, यही एक महीने लगातार चलते रहा। बिल्कुल स्ट्रेटजी मतलब कि एकदम शेड्यूल बना लेता कि इस दिन को इस वीक में मेरे को क्या क्या करना है, फिर अगले वीक में क्या करना है, ऐसे ही करके उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। लास्ट के वन मंथ में 14 आवर्स डेली जाता ही था भाई, 14 घंटे रोज के बहुत ज्यादा होते हैं यार 14 घंटे। मैं भी जब पढ़ता था यार 10-12 घंटे के बाद मैं थक जाता था, 14 घंटे मेरे कभी कभार ही होते थे। तो देख लो भाई आखिरी के मोमेंट में एकदम आपको अपनी सारी लिमिट्स पार करनी पड़ेंगी अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट हो और अगर आपको टॉपर वाली कैटेगरी में आना है तो जो लास्ट के जैसे 5 ओवर होते हैं T20 के, वैसे यार आपके प्रेपरेशन के लास्ट 30 डेज होते हैं, इनमें भाई पूरी मेहनत लगा दो और जितना है ना आपके पास सब दे दो यार। और एक चीज़ यार विद्यानंद भाई ने कही कि उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली थी कि आखिरी के 4 हफ्तों में क्या क्या उन्हें करना है, किस दिन मॉक टेस्ट देना है, किस दिन क्या कवर करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बना लो, थोड़ा प्लानिंग कर लो कि भाई ये चीज़ रहेगी, ये मुझे ये रिवाइज करना है यहाँ से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो रोज। आपको पहले से ही पता हो कि भाई मुझे करना क्या है आज, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। उससे क्या होता है आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने ये किया बनाया हुआ है उस पे उसी पे चलना है। उसको आपको पहले से पता रहेगा, पाथ मिल जाता है आपको, डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई मुझे इसी डायरेक्शन में चलते जाना है आगे। आपको इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप चलते जाओगे और करते जाओगे। तो एक दिन बैठो 3-4-5 घंटे लगा दो उस पर, अच्छे से सब कुछ डिफाइन कर दो कि भाई अब मुझे क्या क्या करना है। ठीक है भाई, चलो तो आपने जेई मेंस दे दिया, क्या उम्मीदें थी मतलब जेई मेंस के बाद? जेई मेंस दिया और उम्मीद थी कि हाँ 99 तक जाना है मेरे को, क्योंकि उससे पहले मैं मॉक टेस्ट दिया था जेई मेंस से एक वीक पहले, मॉक टेस्ट में 200+ आ रहे थे। तो मैंने जेई मेंस दिया और अच्छा गया, एक दो सिली मिस्टेक्स हुए थे लेकिन फिर भी बाकी सब केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा ही गया था। मैथ पता है आजकल बहुत टफ आ रहे, तो 65-70 मार्क्स थे। तो हाँ जेई मेंस लगभग बहुत अच्छा गया था और मैंने शुरू में बताया था कि 99.49% आया था। चलो बहुत बड़े बहुत बड़े विद्यानंद भाई, अब आप मेरे को ये बताओ कि आप रैंक तो बहुत अच्छी ले आए जेई मेंस में, अब उसके लिए आपने क्या क्या एक्स्ट्रा बुकें सॉल्व करी थी, अगर करी थी तो क्या एक्स्ट्रा बुकें सॉल्व करी थी वो बता दो, और एक्स्ट्रा बुकें क्या जरूरी होती है सॉल्व करना अगर हमें इतनी अच्छी रैंक चाहिए तो? जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस तक मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं किया था, सच बता रहा हूँ। कोचिंग का जो मॉड्यूल था उसे ही अच्छे से किया और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अच्छे से किए और मॉक टेस्ट, ये तीनों देने के बाद ही इतने अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं और आप भी ला सकते हैं। ठीक है भाई, ये तीनों चीज़ कर लोगे तो आपकी इतनी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। अब चलते हैं यार जी मेंस तो हो गया आपका, अब चलते हैं जी एडवांस की तरह। परसेंटाइल अच्छी आ गई थी, अब मेंस को छोड़ना था, सेकेंड अटेम्प्ट मेंस को, अब एडवांस की तरफ फोकस करना था। मेरे पास 2 महीने थे, वीक में क्या करना है पहले से डिसाइडेड था, कौन सी बुक्स करनी है। इस समय मैंने बहुत सारी बुक्स की थी मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करना है मैंने डिफाइन कर लिया था। चलो तो फिर बता दो भाई आईआईटी बॉम्बे के लिए आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा बुकिंग करी थी अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग मॉड्यूल्स? अब कोचिंग मॉड्यूल को साइड पे रखा, मैथ्स के लिए मैंने समीर बंसल सर का बुक लिया था, कैलकुलस के लिए ब्लैक बुक लिया था विकास गुप्ता का, उससे मैंने पूरे अलजेब्रा किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया,
सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए, लेक्चर देखे ही नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, लगे रहना है, फोन को साइड करके रखना है, बुक लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिन भर यही चलता रहा। चलो अब एक चीज मेरे को बताओ, कभी कभी होता ही है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन, आपने पूरी ऑनलाइन किया था प्रेपरेशन, तो डाउट आ जाता था, फिर आप क्या करते थे, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्या करते थे, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ गया तो सबसे पहले उस पर आप एक बार देख लो कि थोड़ा ट्राई मारो, दूसरे तरह से ट्राई मारो, तीसरे तरीके से ट्राई मारो, फिर भी नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, आप सॉल्यूशन में थोड़ा सा देख सकते हो, फिर आगे का खुद से करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे करो। अगर आपको खुद भी सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने डाउटनेट को प्रिफर किया था, डाउटनेट पे जैसे ही डाउट है सॉल्यूशन आ जाता है, तो वो बहुत हेल्प किया था जेपीपीएससी के टाइम पे। और मैंने मैथ्स की बुक तो बता दी, फिजिक्स में भी मैंने एक्स्ट्रा बुक सॉल्व की थी, वो है आशीष अरोड़ा सर का एडवांस इलस्ट्रेशन, और आशीष अरोड़ा सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पे जे एडवांस बूस्टर करके एक सीरीज थी, उस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया था, नोट्स बनाया था, फिर जे एडवांस प्रीवियस ईयर तो सारे सब्जेक्ट का ही किया, फिर केमिस्ट्री में मैंने एमएस चौहान ले ली थी ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि जे एडवांस में ऑर्गेनिक बहुत ट्रिकी टाइप पूछते हैं, तो एमएस चौहान का लेवल 3 मैंने बहुत अच्छे से किया था उस समय, इतना चीजें मैंने फॉलो किया था और इससे काफी बूस्ट मिली थी मेरे रैंक में। इनऑर्गेनिक और उसके लिए भी कुछ किया था? इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए मैं बस कोचिंग सीट से बुक प्रेफर किया था। सही सही, तो हमें पता चल गई भाई आईआईटी बॉम्बे आने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है यार, बुक्स भी हो गई, अब ये बता दो आखिरी के एक महीने का जे एडवांस से पहले आपने क्या क्या चीजें करी। जे एडवांस से पहले वही बुक्स तो चल ही रहा था साथ साथ में, मॉक टेस्ट वीक में एक था, फर्स्ट जैसे एक महीने बचा है आपका, तो उसमें से फर्स्ट 2 वीक में एक वीक में 2 मॉक था, तो सैटरडे एक सैटरडे था, एक संडे था। और मैंने आपको बताना भूल गए कि मैंने एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा था, और एलन के फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होते 1500 के आसपास आता था उस समय, तो वो ज्वाइन करके रखा था, उसमें वीक में 2 मॉक होते थे जी एडवांस के, तो वही मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना, पूरे 5 दिन यही चलता था और 2 दिन मॉक टेस्ट देना, 5 दिन में वही प्रीवियस ईयर करना जी एडवांस के प्रीवियस ईयर। तो मैंने सोच लिया था कि 2015 के बाद को मेरे को एक ही भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके रखना है, उसके बाद वही बुक्स का जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था उसी क्वेश्चन को करना, फिर मॉक देना, मॉक में अच्छे धीरे धीरे मार्क्स बढ़ना, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आ रहा था उससे। तो जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि जेई एडवांस की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी यार आपकी? देखिए जेई एडवांस की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि सबसे पहले मेरे को फिजिक्स करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर मैथ्स करनी है। ऐसा क्यों था कि फिजिक्स में मेरे को मॉक में अच्छे नंबर आ रहे थे, केमिस्ट्री को मिडिल पे रखा था कि जल्दी हो जाए और ऐसा लगे कि भी मैंने 2 पोर्शन कर लिया, बस मैथ्स बचा हुआ है। लेकिन ये आपको रिजिड नहीं रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लेकिन मैंने भी फ्लेक्सिबल रखा था। जैसे मैंने जेई एडवांस एक्चुअल एग्जाम में बैठा, शुरू में मैंने क्वेश्चन देखे फिजिक्स के, 2-3 क्वेश्चन इतने टफ थे कि मेरे से हिले ही नहीं थे, उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना पूरा चेंज ही कर दिया पैटर्न, डायरेक्ट केमिस्ट्री पे गया, फिर मैथ्स पे गया, फिर लास्ट में फिजिक्स को गया। तो आप रिजिड मत होइए कि मेरे को यही फॉलो करना है, एग्जाम में कैसा भी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए फ्लेक्सिबल ही रखे। ठीक है, तो यार ये चीज समझ में आ गई कि हमें कोई दिमाग में रिजिड स्ट्रेटजी नहीं कि भाई मैं फिजिक्स ही करूंगा, मेरी फिजिक्स फेवरेट है तो मैं सबसे पहले फिजिक्स करूंगा, ऐसा कुछ नहीं यार। हो सके यार जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, तो फ्लेक्सिबल रखो, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी जरूर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। ठीक है, अगर बैट्समैन पहले से डिसाइड कर ले कि क्या शॉट मारना है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आउट हो जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या शॉट मार सकता है, कि बॉल कैसी आ रही है, तो वही सेम चीज यार पेपर कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ सकती है। जी एडवांस में आप अगर 40% भी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक ले आते हो, 30-40%। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है कि मेरे को ये करना ही है, मैं जानता हूं। कभी-कभी कुछ बच्चे ना ईगो पे ले जाते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने तो कर रखा है, मैं करूंगा ही करूंगा, ये चीज नहीं है। और कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वही करूंगा, ऐसा नहीं भाई, क्योंकि अपने पेपर जो सेट करते हैं ना वो बहुत अच्छे नामी-गामी प्रोफेसर होते हैं, भाई आईआईटी के प्रोफेसर, तो आपको उनको पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन किए हुए हैं और कहां जाके घुमा के फंसा सकते हैं, वही। तो इसीलिए आप जो दिख रहा है और लग रहा है कि मैंने किया है और आप कर रहे हो और आंसर आ रहा है, उसको टिक लगा के आगे पे बढ़ जाओ। अगर देखा ही नहीं लग रहा है या फिर बहुत बड़े क्वेश्चन आ गए 10 लाइन के, उसे आप पहले अटेम्प्ट में स्किप कर सकते हो, उसी में आपकी भलाई है। घर पे आया, मम्मी को बोला कि पेपर ठीक गया, ऐसा नहीं बोला कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे करके पेपर ठीक गया है,
तो मैंने लगभग रफली कैलकुलेट किया था कि 140 के आसपास आ जाएगा, 143 के आसपास। तो वो बोल रहे थे कि इतने मार्क्स पे तुमको टॉप 7 आईआईटी में कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने देखा कि चलो देखते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा हुआ होगा जरूर, और वो रिजल्ट ही बताएगा। तो फिर रिजल्ट आया और कट ऑफ मात्र 25% पे गया था, सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था। वही उसके कारण मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिला और बहुत खुशी हुई। तो भाई जब रिजल्ट आया और आपको पता चला कि अब तो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मतलब पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन था कि जैसे ही मैंने बताया कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, सब रोने लगे, खुशी के आंसू थे। मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा था, मेरे इलाका से कोई भी नहीं था आईआईटी और मैं पहला बना, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। वो मोमेंट एकदम लेजेंडरी था। वो जो यार पेरेंट्स की खुशी होती है ना, जो उनकी आंखों में आंसू आते हैं भाई, उसका तो कोई हिसाब नहीं यार। मैं अपने मोमेंट्स रीइमेजिन कर रहा हूँ। तो यार जो आप मेहनत करते हो 2 साल 3 साल, जो आपने मेहनत करी होती है ना, वो पूरी वर्थ इट हो जाती है जब आपके पेरेंट्स के आंखों में वो खुशी के आंसू होते हैं कि अब हमारा बेटा एक अच्छे कॉलेज में जाने वाला होता है। तो भाई जो भी है, जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचाओ, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपना 100% लगा दो। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, जितना है जस्ट गिव इट। तो भाई एक चीज़ और है, विद्यानंद भाई की स्टोरी हमने देखी यार, कहाँ से एक बहुत मामूली गांव से आते हैं, जिनके गांव में क्या पूरे ज़िले में कोई नहीं होगा जो आईआईटी जिसने पहले क्रैक करी होगी। तो भाई वहाँ से लेके आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचना यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी। और ये कर सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यार वो बनाते बहाने कि भैया मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है। भाई ने पूरी प्रिपरेशन मोबाइल पे करी है अपनी जेई मेन। मैंने अपनी प्रिपरेशन एक माइक्रोमैक्स की फोन से की थी, वो जो सिर्फ 7000 का था, और इंटरनेट कनेक्शन का महा प्रॉब्लम, और कोई कोई तो लेक्चर ऐसा था कि लेक्चर डाउनलोड करने के लिए गांव की पीक पे जाना पड़ रहा है, वो 1 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा ऐसा भी सिचुएशन बहुत फेस किया था मैंने भाई। तो लेजेंडरी यार, मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई विद्यानंद भाई के लिए। मतलब इतना ज्यादा मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी भाई। कुछ लोग होते हैं हार मान जाते हैं कभी 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 तो इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम के कारण घर में नेट नहीं आ रहे हैं, तो बाहर धूप में जाके ऐसा करना पड़ रहा है कि धूप में क्लास करनी पड़ रही है, तो आधे आधे घंटे धूप में ही बैठना पड़ रहा था भाई। इससे ज्यादा और बारिश तो और बारिश में जब बारिश होती थी तो उस समय नेटवर्क तो पूरा ज्यादा था, उस समय क्लास भी नहीं कर पाता था। तो फिर वीकेंड पे जाके कहीं से डाउनलोड करके रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आना, फिर बाद में करना। भाई देखो अगर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं होता विद्यानंद भाई की जगह तो मैं नहीं कर पाता। मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई विद्यानंद भाई के लिए। और भाई अगर ये कर सकते हैं ना, तो अगर आप कोई भी बहाना बना लो कि भैया बुक्स नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये मोबाइल तो होता ही है सबके पास, लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सारे बहाने यार इसके सामने कुछ नहीं है भाई। जो विद्यानंद भाई की स्टोरी थी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी यार। अगर इससे आप मोटिवेट नहीं हो सकते, पता नहीं मेरे ख्याल से आप किससे होगे, मुझे नहीं पता। और स्टोरी बस बताते बताते हम भी इमोशनल हो चुके हैं भाई, मैं भी तो ही हूँ। मतलब स्टोरी सुनते सुनते मैं इमोशनल हो गया। अगर ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए जो हमारे चैनल पे आती रहती है जनरली, प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विद्यानंद भाई का भी चैनल है भाई, इनके चैनल को भी देख लेना यार, काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट डालते हैं, आईटी बॉम्बे से रिलेटेड डालते हैं। तो आपको मोटिवेशन चाहिए तो जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।